नमस्कार। आज के ई लेक्चर का हमारा टॉपिक है वार पाइल स्ट्रक्चर, यानी वार पाइल संरचना। पाइल संरचना का वर्गीकरण निम्न प्रकार है: पाइल फैब्रिक, वार पाइल और वेफ्ट पाइल। तो वार पाइल, आज के इस लेक्चर में हम ये जो सेक्शन है वार पाइल यानी वेलवेट, इसको कंप्लीट हम पढ़ेंगे। वार पाइल फैब्रिक, जिसमें पाइल स्ट्रक्चर वार्प का बनता है, वार्प का पाइल बनता है, उसको वार्प पाइल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बनाने के लिए जो मेथड्स हैं, पहला है वार्प पाइल विद द एड ऑफ वायर्स, वायर पाइल्स कट और अनकट, जो कि लूज स्ट्रक्चर और फास्ट स्ट्रक्चर में बनती है। दूसरा है फेस टू फेस प्रिंसिपल, पाइल बनाने का जो प्रिंसिपल है वो फेस टू फेस प्रिंसिपल। तीसरा टेरी। तो आज हम पढ़ेंगे वायर पाइल और फेस टू फेस प्रिंसिपल। वार पाइल, इस में मखमल यानी वेलवेट कपड़े में ताना यार्न कपड़े की सतह पर पाइल्स बनाता है, यानी वार्प का जो थ्रेड है वो फैब्रिक, ग्राउंड फैब्रिक के ऊपर पाइल बनाता है। इस पाइल के कपड़े को बनाने के लिए दो सीरीज ताने की और एक सीरीज बाने की इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्योंकि एक ग्राउंड का वार्प और एक पाइल का वार्प, तो दो सीरीज हमारी हो गई वार्प की और एक सीरीज वेफ्ट की इसमें काम में ली जाती है। एक ताना श्रृंखला को ग्राउंड ताना के रूप में जाना जाता है और अन्य श्रृंखला को पाइल ताना के रूप में जाना जाता है। चूंकि पाइल साइड कपड़े का फेस होता है, इसलिए बेहतर गुणवत्ता का पाइल ताना यार्न वार्प पाइल वेलवेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि फेस पर पाइल्स जो है उसका इफेक्ट आता है, तो पाइल का जो यार्न होगा वो अच्छी क्वालिटी का यार्न यूज किया जाता है। वार्प पाइल वेलवेट के निर्माण के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, पहला वार्प पाइल विद द एड ऑफ वायर्स और दूसरा तरीका है वार्प पाइल प्रोड्यूस्ड ऑन फेस टू फेस प्रिंसिपल। पहला, वार्प पाइल विद द एड ऑफ वायर्स, यानी तारों की सहायता से वार्प पाइल तैयार करना। इस सिद्धांत में पाइल के तारों की मदद से पाइल का निर्माण होता है। इस विधि में एक बार में एक ही कपड़ा बुना जाता है। इस पद्धति में ग्राउंड ताना और एक ग्राउंड का ताना और एक पाइल का ताना उपयोग किया जाता है। ग्राउंड ताना और बाना से सादा कपड़े का निर्माण होता है, यानी ग्राउंड का जो फैब्रिक बनता है वो प्लेन बनता है, प्लेन वीव से बनाया जाता है। तारों यानी वायर्स को डिजाइन और पैक प्लान के अनुसार शेड में डाला जाता है। जब पाइल ताना पाइल वार पाइल वायर के ऊपर से गुजरता है, यह पाइल एंड्स के लूप बनाता है, यानी कि वायर्स जो जहाँ पर हमें पाइल बनाना है, जो कि डिजाइन के अकॉर्डिंग, अगर जैसे जैसे डिजाइन बनाई हुई है उसमें जैसे हमें लूप बनाना है उसके अकॉर्डिंग पैक प्लान या लिफ्टिंग प्लान के अनुसार जब शेड बनता है तो वहाँ पर वायर इंसर्ट किया जाता है। और यह पाइल, जब वो वायर इंसर्ट हो जाता है, उस वायर के ऊपर से पाइल का वार एक लूप बनाता है, पाइल एंड जो है वो एक लूप बनाता है। बुनाई के बाद तारों को निकाल दिया जाता है, जब वीविंग कंप्लीट हो जाती है, वीविंग स्टेप्स के बाद में कुछ वायर इंसर्ट करने के बाद शुरुआती वायर्स को निकाल लिया जाता है। पाइल के एंड्स को धारदार तारों को निकालने के दौरान काट दिया जाता है, यानी पाइल एंड्स, जब जो वायर हम यूज़ करते हैं, दो तरह के वायर्स होते हैं। अगर हमें अनकट पाइल रखना है तो वायर का जो एंड वायर जो है गोल होता है, राउंड होता है, जो कि आसानी से पाइल में से निकल जाता है बिना पाइल को प्रभावित किए। लेकिन अगर पाइल हमें कट पाइल बनाना है तो वायर की एज पर, दूसरी एज पर शार्प एज लगी होती है, दूसरे का सिरे पर शार्प एज यानी ब्लेड लगी होती है। जब उस वायर को निकाला जाता है तो वो एज, शार्प एज जो है, नाइफ एज, वो उन फाइल्स को दो भागों में काटती हुई वायर निकल जाता है। इस प्रकार ताना धागे के कटे हुए पाइल कपड़े की सतह पर बनते हैं। कपड़े बुनने के लिए करघे में डबल लेट ऑफ सिस्टम की आवश्यकता होती है।
पाइल प्रति इंच बढ़ाकर पाइल का घनत्व बढ़ाया जा सकता है। इस प्रणाली की उत्पादकता बहुत कम होती है। विभिन्न पाइल ऊंचाई के साथ कपड़े की बुनाई के लिए अलग अलग प्रकार आकार के धारदार तार की आवश्यकता होती है। मैकेनिज्म नीचे चित्रानुसार दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये वीविंग मैकेनिज्म दिखाया गया है। यहाँ दो शेड बन रहे हैं। हमें एक पाइल वार्प इधर आ रहा है और नीचे ग्राउंड वार्प है। यहाँ से ग्राउंड की हील्स अलग चलती हैं प्लेन के मैनर में, और पाइल वार्प की हील्स अलग हैं। ये देखिए, यहाँ पर पाइल वार्प की हील्स, ये चार हील्स जो है दिखाई हुई है। यहाँ पर दो शेड बन रहे हैं। नीचे वाला शेड जो है, जिसमें शटल इंसर्ट हो रही है, वो ग्राउंड फैब्रिक है, और एक ऊपर जो शेड बन रहा है जिसमें वायर इंसर्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर रीड के ऊपर। यहाँ से ये इंसर्ट होने के बाद बीटिंग होती है, और ये जब फैब्रिक निर्माण होता है तो ये हमारे लूप्स बनते हैं। वायर के ऊपर लूप्स हैं, ये जो लूप्स हैं इनमें वायर डले हुए हैं। आगे इन चार लूप्स के बाद में कट पाइल दिखाया हुआ है, जो कि वायर रिमूव करने के बाद ये पाइल कट गया है। इस तरह ये वार्प पाइल विद द एड ऑफ वायर का मैकेनिज्म इसमें दिखाया गया है। रिविंग में तीन तरह से लूज और फास्ट संरचना का निर्माण किया जाता है। इसी मेथड में, वायर मेथड में, हम तीन तरह से वीव बना सकते हैं। ईच पाइल ओवर ईच वायर, यानी हर एक वायर के ऊपर से हर एक पाइल पाइल एंड पास ऑन होगा और पाइल बनाएगा। या दूसरा मेथड है अल्टरनेट पाइल ओवर अल्टरनेट वायर, यानी अल्टरनेट वायर पर अल्टरनेट पाइल बनता है, एक को छोड़कर एक। तीसरा है रिवर्सिबल पाइल, यानी जिसमें पाइल बनाते हैं और उस पाइल को रिवर्सिबल, दोनों साइड में पाइल हमें दिखाई देता है। वो आगे मेथड में हम पढ़ेंगे। तारों की बनावट और उनको निकालने के तरीके से ये दो प्रकार के होते हैं, अनकट पाइल और कट पाइल। फर्स्ट जो मेथड है इसका, ईच पाइल ओवर ईच वायर, लूज पाइल, लूज तरीके से जो वीविंग की हुई होती है पाइल की, इसमें पाइल लूज रहती है, मतलब ग्राउंड से फास्टली वूवन नहीं होती है। इसमें प्रत्येक वायर पर पाइल बनाता है। ग्राफ पर बनाने का जो तरीका है वो देखिए, स्टेप्स और मार्क के क्या दिखाते हैं इसमें। आगे जो वीव है उसमें जी, हमने जो वीव का साइज लिया है उसमें थ्रेड्स को मार्क किया है। जी ग्राउंड वार्प एंड वेफ्ट, डब्लू वायर के लिए, पी पाइल वार्प वन P1, और P2 पाइल वार्प टू। और क्रॉस वीव में जो क्रॉस दिखाया गया है वो ग्राउंड वीव यानी प्लेन वीव के लिए। ओ या सर्किल जो दिखाया गया है वो पाइल वीव का दिखाया गया है। और स्लैश का जो निशान दिखाया गया है वो पाइल वार्प अप ओवर ग्राउंड वेफ्ट बिलो वायर, यानी वायर के साथ जो पाइल ग्राउंड वेफ्ट इंसर्ट होगा वो यहाँ इसमें दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर हमने जो मैनर प्लेसमेंट लिया है, ग्राउंड पाइल ग्राउंड नो, यानी दो ग्राउंड के साथ एक पाइल हमने लिया है। तो पहला पाइल P1 और दूसरा ग्राउंड P2 और ग्राउंड, ये वार्प के थ्रेड्स का प्लेसमेंट है जो हमें रखना है, इस मैनर में हमें रखना है। और वेफ्ट को ग्राउंड ग्राउंड फिर वायर, फिर ग्राउंड और वायर, यानी कि ग्राउंड के बाद वायर हम इंसर्ट इसमें करेंगे। अब आप देखिए, ग्राउंड वीव हमारी प्लेन है, तो वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन मैनर से हमने इसको फिल कर दिया है। और पाइल के वार्प का इंटरलेसमेंट वायर के ऊपर, क्योंकि ईच पाइल ओवर ईच वायर है, तो जहाँ पर भी वायर से इंटरलेस हो रहा है पाइल का थ्रेड, वहाँ हमने सर्किल से इसको मार्क किया है और रेड कलर से हाईलाइट किया है। और इसके नीचे हमने स्लैश का एक मार्क दिखाया है जो ये शो करता है कि पाइल का वार्प
ग्राउंड वार्प के एक थ्रेड के नीचे और एक थ्रेड के ऊपर है, यानी जहाँ मार्क लगाया है वहाँ पर पाइल का वार्प ग्राउंड के वेफ्ट के ऊपर है। इस तरह ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये लूज स्ट्रक्चर है, वार्प पाइल का लूज स्ट्रक्चर है वेलवेट का। नाउ ईच पाइल ओवर ईच वायर फास्ट पाइल, यहाँ पर हम इसमें क्योंकि हमें इसकी फास्टनिंग करनी है तो यहाँ पर हमने एक थ्रेड बढ़ा दिया है, ग्राउंड का वेफ्ट बढ़ा दिया है एक, जो अब साइज हमारी हो गई 6x8, जिसमें 6 वार्प हैं, 4 ग्राउंड और 2 पाइल, और वेफ्ट में 6 ग्राउंड और 2 वायर। तो इस तरह मार्क किया, 3 ग्राउंड के वेफ्ट, फिर वायर, 3 ग्राउंड के वेफ्ट और फिर वायर। तो जो एक्स्ट्रा वेफ्ट हमने इंसर्ट किया है उसका इंटरलेसमेंट हमें यहाँ पर पाइल से करवाना है, जिससे कि पाइल का वार भी ग्राउंड के वेफ्ट के साथ इंटरलेस करे और ये फास्ट स्ट्रक्चर बनाए, जिससे कि पाइल को आसानी से निकाला ना जा सके। तो यहाँ पर मार्क वही किया है, ग्राउंड वार्प ग्राउंड वेफ्ट के लिए जी, पाइल वन के लिए P1, पाइल टू के लिए P2 और वायर के लिए W। प्लेन वीव हमने ग्राउंड में प्लेन वीव लेनी है, तो वन अप वन डाउन का हमने इसमें मार्क कर दिया है, और पाइल ईच वायर पर है तो यहाँ पर रेड कलर में हमने यहाँ दिखाया है, वो से सर्किल से हमने इसको हाईलाइट किया है, मार्क किया है और रेड कलर से हाईलाइट किया है। लेकिन यहाँ देखिए ग्राउंड के वेफ्ट के साथ पाइल के वार्प को इंटरलेस करवाने के लिए हमने वन अप वन डाउन वन अप का एक मैनर लिया है, जिससे कि ये एक बार ग्राउंड के वार्प से अप और डाउन इंटरलेस होता है, जिससे कि ये पाइल हमारा फास्ट हो जाता है। सेकंड, अल्टरनेट पाइल ओवर अल्टरनेट वायर, इसमें अल्टरनेट पाइल वार अल्टरनेट वायर पर पाइल बनाता है, यानी कि एक छोड़कर एक वार पर वायर पर पाइल बनता है। स्टेप्स एंड मार्क्स एज इट इज, जैसा पिछले उसमें था उसी तरह, ग्राउंड वार्प एंड वेफ्ट के लिए जी, वायर के लिए डब्ल्यू, P1 P2 पाइल वार्प 1 एंड 2, देन ग्राउंड एक्स क्रॉस से जो दिखाया गया है वो प्लेन व्यू ग्राउंड का दिखाया गया है, ओ या सर्किल जो पाइल व्यू, और स्लैश से पाइल वार्प अप ओवर ग्राउंड वेफ्ट बिलो वायर। देखिए वार्प पाइल अल्टरनेट पाइल ओवर अल्टरनेट वायर पर ग्राफ पर कैसे बनाया जाएगा, वही 6x6 की साइज जो हमने ऑल ओवर पे लिया था वही हम साइज लेंगे। यहाँ जो चेंज है वो सिर्फ इतना है कि पहला जो पाइल वार्प है वो पहले वायर पर पाइल बनाता है, दूसरे वायर के नीचे से फ्लैट निकल जाता है, और दूसरा पाइल वार्प पहले वायर के नीचे से फ्लैट निकलता है और दूसरे वायर के ऊपर पाइल बनाता है, यानी एक वायर को छोड़कर दूसरे वायर पर पाइल बनता है। तो अल्टरनेट तरीके से ये पाइल बनता है, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है। ग्राउंड पाइल ग्राउंड वार्प का अरेंजमेंट है, दो ग्राउंड और वायर का वेफ्ट में अरेंजमेंट है, और ग्राउंड व्यू फिल करते हैं ग्राउंड थ्रेड्स में, वन अप वन डाउन चारों ग्राउंड थ्रेड्स में फिल कर दिया क्रॉस लगाकर, और ओ और रेड कलर से जो दिखाया गया है वो पाइल का मार्क है, और स्लैश से जो मार्क दिखाया गया है वो पाइल वार्प का ग्राउंड वेफ्ट के साथ इंटरलेसमेंट है, ग्राउंड वार्प अप ओवर पाइल वार्प अप ओवर ग्राउंड वेफ्ट। नाउ थर्ड इज रिवर्सिबल पाइल, रिवर्सिबल यानी जिसको एक फेस से दूसरे फेस पर ले जाया जाता है, दोनों तरफ एक जैसे पाइल दिखाई देते हैं रिवर्सिबल। इसमें ईच पाइल ओवर ईच वायर विधि से फास्ट पाइल का निर्माण किया जाता है, इसमें फास्ट पाइल वाला मेथड यूज किया जाता है। पाइल को रिवर्सिबल बनाने के लिए एक स्पेशल थिक पिक
यानी वेस्ट इंसर्ट किया डाला जाता है, जो कि केवल पाइल वार्प से इंटरलेस करता है, जिसे बाद में खींच कर निकाल दिया जाता है, जिससे आधा कटा हुआ पाइल बैक साइड में चला जाता है, यानी जो कट पाइल हम बनाते हैं उस कट पाइल का एक सिरा फेस में रह जाता है और दूसरा सिरा बैक साइड में चला जाता है। इस तरह रिवर्सिबल पाइल तैयार होता है। इसमें बनाने का जो ग्राफ पर तरीका है उसमें वही ग्राउंड जी मार्क जो दिखाते हैं, जी ग्राउंड वार्प एंड वेफ्ट, डब्लू वायर, P1 P2 वार्प पाइल 1 एंड 2, SP स्पेशल थिक पिक जो हम इसमें इंसर्ट करेंगे उसके लिए SP हमने मार्क किया है, क्रॉस जो है ग्राउंड वीव है प्लेन वीव, देन सर्किल पाइल वीव, स्लैश पाइल वार्प अप ओवर ग्राउंड वेफ्ट, एंड हैश का जो निशान लिया है मार्क लिया है हमने वो ग्राउंड वार्प अप ओवर स्पेशल थिक पिक का जो वेफ्ट है उसके ऊपर से ग्राउंड वार्प का मार्क लगाया है। देखिए यहाँ पर क्योंकि फास्ट पाइल बनाना है तो हमने यहाँ 3 पिक जो है वो ग्राउंड के लिए हैं, वार्प का अरेंजमेंट ग्राउंड पाइल ग्राउंड वही सेम है फास्ट पाइल में जैसा हमने लिया था। यहाँ पर 3 ग्राउंड पिक के बाद वायर लिया है और उसके बाद एक SP स्पेशल थिक पिक लिया है और ये अरेंजमेंट हमने इसमें किया है। अब इसमें मार्किंग जो करेंगे, फिल प्लेन वीव इन ग्राउंड थ्रेड्स, तो वन अप वन डाउन हमने फिल कर दिया सारे ग्राउंड थ्रेड्स में, ग्राउंड वार्प और वेफ्ट का जो इंटरलेसमेंट है वहाँ पर। अब पहला जो ग्राउंड वार्प है वो स्पेशल थिक पिक जो SP है वहाँ जहाँ जहाँ पर भी इंटरलेस होगा वहाँ पर ग्राउंड वार्प को ऊपर रखा गया है, स्पेशल थिक के ऊपर रखा गया है, ये उससे इंटरलेस नहीं करता है। पाइल वार्प वन पाइल एंड P1 उसको हमने फास्ट पाइल की तरह वन अप वन डाउन से मैनर में और वायर्स के ऊपर ऑल ओवर लिया है और फिर इंटरलेस करवाया है ग्राउंड से वन अप वन डाउन के मैनर में। ये देखिए इस तरह ये हमारा ग्राफ पेपर के ऊपर वी बन गया रिवर्सिबल। अब इसमें जब ये वी बन जाता है वायर कट हो जाता है तो बाद में इन थिक पिक्स को पीछे से खींच कर निकाला, दोनों सिरों से खींच कर निकाल लेते हैं, जिससे कटे हुए पाइल का एक सिरा फेस पर रह जाता है और एक सिरा बैक में चला जाता है। वार पाइल प्रोड्यूस्ड ऑन फेस टू फेस प्रिंसिपल, दूसरा जो मेथड है वार्प पाइल बनाने का वो फेस टू फेस प्रिंसिपल है। वेलवेट निर्माण की इस विधि में दो कपड़े एक साथ बुने जाते हैं, दोनों कपड़े के फेसेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी दोनों जुड़े होते हैं तो एक दूसरे की तरफ होते हैं। बुनाई के दौरान लगातार चाकू की मदद, शार्प नाइफ की मदद से काट कर कपड़े की दोनों परतों को अलग किया जाता है। वेलवेट बनाने के लिए दो ग्राउंड ताना बीम तथा एक पाइल ताना बीम का उपयोग किया जाता है। एक ग्राउंड बीम का इस्तेमाल टॉप फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है और दूसरे ग्राउंड बीम का इस्तेमाल बॉटम के कपड़े को बनाने के लिए किया जाता है। पाइल ताना बीम का उपयोग दोनों कपड़ों के लिए किया जाता है, यानी पाइल का जो थ्रेड है वो दोनों लेयर्स से इंटरलेस करता है। देखिए यहाँ मैकेनिज्म में दिखाया गया है, रेड कलर में ग्राउंड वार्प जो है दोनों ग्राउंड वार्प दिखाए गए हैं, दोनों फैब्रिक्स के दो बीम हैं ग्राउंड के, और ब्लू कलर में जो दिखाया गया है वो है पाइल वार्प। पाइल वार्प को रेगुलेट करने के लिए पाइल रेगुलेटर लगा होता है जो कि हाइट को रेगुलेट करता है, पाइल बैलेंस पोल लगा होता है जो पाइल वार्प के लेट ऑफ को कंट्रोल करता है, यानी जितनी हमें पाइल की हाइट चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग पाइल रेगुलेटर वार्प रिलीज करता है, और पाइल को बैलेंस करने के लिए एक पोल यहाँ पर लिया गया है जो कि टेंशन को मेंटेन करता है। तो इस तरह ये मैकेनिज्म है जिसमें आगे ये फेल ऑफ क्लॉथ पर ये डबल लेयर दो बनी हुई हैं और यहाँ पर कटिंग एक्शन
होता है, ये जो दो दे लेयर है इनके बीच में सेंटर से इसको कट किया जाता है, तब ये कट कर दो अलग अलग लेयर में दो कपड़े बनाता है। फेस टू फेस वेलवेट निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करके बुना जाता है। पहला, फेस टू फेस वेलवेट यूजिंग सिंगल सटल, यानी कि इस विधि में सिंगल ग्राउंड पाने का उपयोग किया, उपयोग टॉप और बॉटम फैब्रिक दोनों के लिए किया जाता है। आमतौर पर दोनों कपड़ों के लिए एक ही पाइल ताना का उपयोग किया जाता है, यानी कि सिंगल सटल मेथड में जब वेफ्ट एक जैसा दोनों थ्रेड्स में यूज करते हैं तो एक बार एक लेयर का सेट बनता है और दूसरी बार दूसरी लेयर का बनता है, और इस तरह अलग अलग एक ही सटल से दो बार में वेफ्ट इंसर्ट किया जाता है। यह डबल लेट ऑफ और सामान्य सेडिंग तंत्र लगे करगा पर बुना जाता है, यानी सेडिंग मैकेनिज्म जो नॉर्मल सेडिंग मैकेनिज्म ही होता है। वेलवेट कपड़े बनाने के लिए न्यूनतम 6 हील की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मखमल के कपड़े भारी वजन वाले होते हैं, इसमें विशेष टेकअप रोलर्स की आवश्यकता होती है, स्पेशल टेकअप रोलर्स इसमें लगे होते हैं। दो टेकअप रोलर्स होते हैं जिनकी सतह पर मजबूत स्पाइक्स लगे होते हैं, जिनका उपयोग करगा में किया जाता है। ये देखिए यहाँ ड्राइंग में जो दिखाया गया है सिंगल सटल मेथड का, ऊपर और नीचे दो टॉप और बॉटम के एफ और बी फेस और बैक के जो फैब्रिक दिखाए गए हैं, राइट हैंड साइड में 6 हील्स यूज कर हुई हैं। देखिए यहाँ पर बैक के फैब्रिक का शेड बना हुआ है, जिसमें एक ब्लैक डॉट्स जो कि वेफ्ट है या सटल है वो इंसर्ट की गई है, और आगे की तरफ राइट हैंड साइड में एक ब्लैक एरो जो दिखाया गया है, ये एरो नाइफ को दिखाता है जो कि इन दोनों फैब्रिक्स को सेंटर से कट करता है, कट करके अलग अलग कर देता है। बैचिंग मोशन का उपयोग क्लॉथ रोलर्स पर कपड़े को लपेटने के लिए किया जाता है। सेल्फ शार्पनिंग मैकेनिज्म लगे कटिंग मोशन का इस्तेमाल कपड़े की दो परतों को अलग करने के लिए किया जाता है। सिंगल सटल मखमल वेलवेट बुनाई प्रक्रिया में उत्पादकता कम होती है, क्योंकि एक ही सटल से वेफ्ट इंसर्ट किया जाता है तो इसमें प्रोडक्शन कम होता है। ग्राफ पर इसको दिखाने का जो तरीका है वो आगे फेस टू फेस वीव बाय यूजिंग सिंगल सटल मेथड का लूज स्ट्रक्चर यानी लूज पाइल स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ हमने दो लेयर्स को दिखाया है, फेस टू फेस के दो वार्प और दो वेफ्ट फेस के लिए और दो वार्प और दो वेफ्ट ही बैक के लिए। वार्प क्योंकि पाइल हम वार्प का बनाते हैं तो पाइल के दो थ्रेड P1 और P2 इनका अरेंजमेंट हमने किया है, फेस बैक P1 P2 फेस बैक, ये हमारा यार्न वार्प एंड्स का अरेंजमेंट है और वेफ्ट फेस बैक मार्क हमने लगा दिए हैं। इनके बाद इनको मार्क करेंगे वीव को, फिल फेस वीव इन फेस थ्रेड्स, तो वन अप प्लेन वीव है हमारी दोनों ही, तो फेस में क्रॉस लगाकर हमने वन अप वन डाउन और दूसरे फेस में वन डाउन वन अप, इसी तरह बैक में वन अप वन डाउन ओ से हमने दर्शाया इसको और वन डाउन वन अप, ये हमारी दोनों लेयर्स की प्लेन वीव हमने फिल कर दी। अब इसको डबल क्लॉथ बनाने के लिए पहले ऑल द फेस वार्प अप ओवर बैक वेफ्ट का मार्क हम लगाएंगे, यानी जहाँ भी फेस वार्प बैक के वेफ्ट के साथ इंटरलेस हो रहा है वहाँ पर हम इसको मार्क करके अप कर देंगे। स्लैश का मार्क हमने यहाँ लगाया है जो कि इसको डबल क्लॉथ बनाने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह पाइल के लिए हमने पहला पाइल फेस के ऊपर फेस सेंट और दूसरा जो हमने डबल स्लेस लगाया है वो लगाया है पाइल वार्प अप और बैक वेफ्ट। यहाँ पर जो हैश और रेड कलर दिखाया गया है ये पाइल वार्प का फेस से इंटरलेसमेंट है, तो ये इस तरह हमारे दोनों पाइल बन जाते हैं। नाउ इसको फास्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंगल सटल मेथड में हमें यहाँ एक एक एक्स्ट्रा
थ्रेड वेफ्ट का इंसर्ट करना होगा दोनों ही लेयर्स में। तो यहाँ पर जो हमारी साइज वीव की साइज होगी वो 6/8 हो जाएगी। वार्प का अरेंजमेंट वही सेम है, फेस बैक P1 P2 फेस बैक, फेस वेफ्ट का भी फेस बैक फेस बैक फेस बैक फेस बैक हम इसको मार्क करेंगे। फिल फेस वीव इन फेस थ्रेड्स, देन फिल बैक वीव इन बैक थ्रेड्स जो कि O से दिखाया गया, X फेस वीव, क्रॉस जो है वो फेस वीव है और O जो है वो बैक वीव है। नाउ तीसरा मार्क है स्लैश, यानी कि ऑल द फेस वार्प अप और बैक वेफ्ट, जहाँ जहाँ भी फेस वार्प बैक से इंटरलेस करेगा वहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे जिससे कि दोनों लेयर अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं। तो हर एक जहाँ और फेस और बैक जहाँ इंटरलेस हो रहा है वहाँ स्लैश का हमने मार्क लगा दिया है। अब P1 और P2 जो थ्रेड्स हैं उनको हम इंटरलेस करेंगे। हैश और रेड कलर से जो हाईलाइट किया है जहाँ पाइल इंटरलेस हो रहा है, पाइल जो बन रहा है वो है, और डबल स्लैश जहाँ पर पाइल बैक से इंटरलेस कर रहा है, यानी कि पाइल वार्प अप और बैक वेफ्ट। इस तरह ये जो है हमारा फास्ट पाइल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। फेस टू फेस वेलवेट यूजिंग डबल सटल मेथड, इस बुनाई तंत्र में स्पेशल डॉबी मैकेनिज्म का यूज किया जाता है जो ग्राउंड फैब्रिक को बनाने वाले ग्राउंड वार पैंट्स को दो अवस्था में दो शेड बनाने के लिए एक साथ उठाता और गिराता है। यानी कि डॉबी का जो मैकेनिज्म वो एक साथ दो सेट बनाने के लिए होना चाहिए। टॉप फैब्रिक ग्राउंड सिरों को मध्य से शीर्ष स्थिति और शीर्ष से मध्य स्थिति में ले जाता है। ये देखिए ये अरेंजमेंट है इस फिगर में जो दिखाया गया है, दोनों शेड एक साथ ओपन होते हैं राइट साइड में जो दिखाया गया है, फेस बैक ये नीचे दिखाए गए हैं, ये पाइल और ये जो दो डॉट्स हैं शेड के बीच में वो दो डॉट्स हैं, यानी दो शटल एक साथ इंसर्ट की गई हैं। और वही लेफ्ट साइड में एरो से जो मार्क दिखाया गया है ये शार्प एज नाइफ है जो इन थ्रेड्स को पाइल के थ्रेड्स को सेंटर से कट करके दोनों फैब्रिक्स को या दोनों लेयर्स को अलग अलग करता है। बॉटम कपड़े के ग्राउंड वार पैंट्स नीचे से मध्य और मध्य से नीचे की स्थिति में जाते हैं। डॉबी के लिफ्टिंग का मैकेनिज्म इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पाइल वार पैंट्स तीन अवस्थाओं में शीर्ष मध्य और नीचे में जा सकते हैं। इस प्रकार एक समय में दो शेड बनते हैं। पिक्स को दो शटल्स या रैपियर्स शटललेस में के मामले में की मदद से एक बार में एक साथ दोनों शेड में डाला जाता है। मशीन सेल्फ शार्पनिंग पाइल कटिंग मैकेनिज्म और स्पेशल डबल टेकअप रोलर्स की आवश्यकता होती है। दो टेकअप रोलर्स होते हैं जिनकी सतह पर मजबूत स्पाइक्स लगे होते हैं जिनका उपयोग करगा में किया जाता है। कपड़े को रोल करने वाले रोलर्स पर कपड़े को लपेटने के लिए बैचिंग रोलर्स का उपयोग किया जाता है। ग्राफ पेपर पर इसको बनाने का जो तरीका है वो आगे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर क्योंकि यार्न वार्प के जो यार्न है वो एज इट इज है, जैसे फेस बैक पाइल वन पाइल टू फेस एंड बैक, लेकिन वेफ्ट क्योंकि दो शटल एक साथ ऊपर नीचे हैं तो दोनों को दिखाने के लिए हमने एक एक ही थ्रेड को लिया है, एक फेस और एक बैक। तो देखिए क्योंकि दोनों वेफ्ट एक साथ इंसर्ट होते हैं तो हमें बाकी थ्रेड्स को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दो थ्रेड्स पर हम इसको दो वेफ्ट पर इसको दिखा देते हैं, फेस का एक और बैक का एक। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस से जो है वो फेस का व्यू है और बैक से ओ का जो दिखाया है वो हमने बैक दिखाया है, स्लैश का जो मार्क है वो फेस वार्प अप और बैक वेफ्ट है, और हैश और
रेड कलर से हाईलाइट करके दिखाया गया है, वो पाइल का इंटरलेसमेंट है। इस तरह ये हमारा डबल सटल मेथड से फाइल वार व्यू तैयार हो गया। तो ये आज के इस लेक्चर में वार्प पाइल स्ट्रक्चर को हमने समझा कि वार्प पाइल स्ट्रक्चर होता क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार का है, ग्राफ पेपर पर उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसके मैकेनिज्म लूम के ऊपर किस तरह का मैकेनिज्म और किस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, वो सब आपने आज इसमें समझा है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। एंड आगे के लेक्चर्स में और हम दूसरे व्यूज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।